Hello students, good morning to all. Welcome to the junior knowledge class. You see that there is a book, knowledge, junior knowledge. आपकी एक book है junior knowledge, उसमें हम first chapter start करेंगे. तो ये first chapter, flowering trees. Flowering trees कौन से हैं तो मैं आपको बताता जाऊँगा और उसकी descriptions भी हम देखते जाएंगे. तो ये है कुछ flowering trees जो आपने देखे भी होंगे और आपने आसपास में भी होंगे. So flame trees are named after their fairy blossoms. These are flowers of flame tree called gulmohar. ये gulmohar का tree है जो बहुत ही प्रख्यात है और आपके घरों के आसपास भी होगा. Next one, B picture में आप देख रहे हैं जो पीले रंग का है. These are flowers of the golden sour tree. This is also called amlatas. C पर है जो pink color का दिख रहा है. These are flowers of the jewel tree. Often called the pride of India, another name for this, Queen's Crepe Myrtle. Deeper hai, these flowers are used to make colors for the Holi festival. They grown on flame tree called the Palash. Kesula jise hum bolte hain hamari language mein yahan par, wo rang banane ke liye, Holi ke rang banane ke liye bahut zaruri hota hai. Then after the fruit, E par hai, the fruit from this flower give us a fiber like cotton with which we stuff pillows. They grow on the tree. So silk cotton, cotton ka tree hota hai, aisa hota hai aur uske andar se cotton nikalta hai. Next one, F is there. These flame tree flowers are called pichkari. As the birds squirt water when squeezed, they grown on African tulip tree. So ye sare trees jo hai wo aapko apni book mein acche spelling ke sath, correct spelling ke sath likhne hai. नीचे भी एक्सरसाइज है. सेकंड वन, विच ऑफ दिस फ्लावर्स ग्रो ऑन ट्रीज, टेक द सो, कौन से ट्री पर उगते हैं. तो ए मैंने राउंड किया है आपको, अगर दिख रहा हो तो कॉरल जास्मिन वो ट्री पर होता है. ए पर आप टिक करेंगे, सी पर एंड डी पर मैक्सिकन ओलियंडर. उसके बाद के पेज पर है टू, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो कुछ जम्बल वर्ड है ए बी सी डी, अनस्क्रेबल द राइट द नेम, अनस्क्रेबल करने और राइट उसके नाम लिखने, वो तो आप खुद अपने आप से करोगे ये एक्सरसाइज. उसके बाद की एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ. नेम दिस लीफी वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स लीफी दिख रहे हैं यानी कि पत्तों वाले हैं, ग्रीन पत्तों वाले, उसके नाम लिखने हैं. तो ए में जो है स्टार्टिंग लेटर विद बी, बी और पी, मतलब बॉक चॉय, ये बॉक चॉय है. ओके और दूसरा है मलबार स्पिनच, नेम्ड आफ्टर पार्ट ऑफ इंडिया. मलबार एक पार्ट का, इंडिया के पार्ट का नाम है. थर्ड वन सी है, यूज एज अ स्पाइस इन ड्राइड फ्रॉम कश्यूरी. इट्स मेथी ग्रीन्स, जो आपने देखी होगी, खाई भी होगी, मेथी ग्रीन्स बोलते हैं उसे, और उसको सुखाया जाता है और कश्यूरी मेथी बोला जाता है. डी इज ऑफन ईटन विथ मक्की की रोटी नॉर्थ इंडिया, सो इट इज़ अ मस्टर्ड ग्रीन्स. वो मस्टर्ड ग्रीन्स है जो मक्की की रोटी की तरह खाई जा सकती है, मक्की की रोटी के साथ खाई जा सकती है.